और इस वक्त मैं मौजूद हूँ उनकी कोठी पे। ये पूरा का पूरा जो आप आलीशान देख रहे हैं, बिल्डिंग देख रहे हैं, ये कोई राजस्थान में नहीं है, पूरे राजस्थानी स्टाइल से बनाई गई है। और अभी इसका यहाँ पर काम चल रहा है, और मुझे जैसे ही पता चला कि हमारे यमुनानगर में इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, और मुझे अभी तक इस बारे में पता नहीं है, तो मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। या पूरा देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि पूरा दरवाज़ा दिखाएँ, पूरी बिल्डिंग पहले दिखा दीजिए किस तरीके से ये पूरा पूरा आलीशान है। ये देख सकते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि नीचे कांच लगेगा और नीचे लाइटिंग लगेगी। पूरी कोठी आप देख लीजिए, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बटन्स जो हैं, ये देखो बटन भी जो हैं पुराने ज़माने वाले उस टाइप के बना रखे हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से ये फार्म हाउस जो बनाया गया है, बहुत ही ज़बरदस्त, और किसने बनाया है ये आपको मैं दिखाऊंगा। ये एक सरप्राइज है, अभी यहाँ पे पूरा काम चल रहा है, और मुझे जैसे ही पता चला कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, तो मैं आपको देसी रेड की तरह आपको दिखाने के लिए पहुँचूंगा। ये देखिए सीढ़ियाँ जो बनाई गई हैं, और ऊपर का अगर नज़ारा मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से ऊपर का जो नज़ारा है वो देखिए, सीढ़ियाँ हैं और पूरा आलीशान जो है महल टाइप, ये जो इन्होंने फार्म हाउस टाइप बनाया हुआ है। आखिर ये किसका फार्म हाउस है, क्या है इसके पीछे राज, वो सारा अभी आपको बताएंगे। ये देखो स्विच देख लो, और पूरा का पूरा यहाँ पे अभी काम चल रहा है, तो हमें एक्सक्लूसिव पता चला था किसी की वजह से। तो ये देखो, ये यहाँ पे बालकोनी भी है, जैसी पूरी राजस्थान में आपने देखी थी ना, वैसी बालकोनी है यहाँ पर। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर कौन है वो शख्स, शायद आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे कि आखिर वो ऊपर भी है सीढ़ियाँ, ये पूरा एरिया है, और यहाँ पर अभी काम चल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि पूरा सर नमस्कार। तो ये हमारे साथ हैं नीरज गोयल, जो कि फेमस इंडिया के बॉक्सिंग चैंपियन है और बॉक्सर है। सर, सबसे पहले छोटे से चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। लोकल यमुनानगर भाई का थोड़ा बहुत सा बड़ा बाहर चलते चैनल है, हैं जी। मेरे को बताया मेरे दोस्त ने, राहुल है मांडखेड़ी से, उन लोगों ने बताया आप लोगों के बारे में, और भी अच्छा दोस्तों अच्छा ने कहीं तो उन्हें सर, बताया। हमें भी आप लोगों के बारे में पता नहीं था, आप इतना हमारे देश के लिए कर रहे हैं और बहुत एक नाम कमाया बॉक्सिंग को लेकर, तो एक यमुनानगर में हमें पता ही नहीं था आप लोगों के बारे में, हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई इसके बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ, बाकी कहीं पे खेलने गया या कुछ गया तो उसकी कवरेज तो शायद जो से चैनल होंगे यहाँ पे, चैनल नहीं जो न्यूज़पेपर होंगे उनमें आती होगी, बाकी मेरे को नहीं पता भाई क्यों जानते हैं और क्यों नहीं जानते अच्छा, हैं। तो कब से आपने जो बॉक्सिंग का सफ़र था, कब से शुरू किया था, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज इस जिस मुकाम पे हैं, वर्ल्ड लेवल पे आपको पहचाना जाता है, तो कब से शुरू किया था आपने बॉक्सिंग का ये सफ़र? बॉक्सिंग बॉक्सिंग करते हुए मेरे को लगभग 2006 में शुरू की थी मैंने, 2005 या 6 में, देख लो कितने हो गए, 17-18 साल हो गए होंगे। तो सर, एक जब जो सबसे ज़्यादा मुद्दा आया, मैंने एक एनडीटीवी की पोस्ट देखी थी, दोस्तों आप भी स्क्रीनशॉट साइड में देख सकते हैं कि एनडीटीवी की पोस्ट में दिखाया गया था कि भाई ने जो यूक्रेन में जो फंसे थे लोग, जो फंसे थे उनको निकालने में एक अहम भूमिका भाई ने निभाई है, और लोगों ने स्पेशली थैंक्स भी किया है। तो मैं वो वीडियो आपको भी सुनाऊंगा, तो सर से पूछूंगा, सर यूक्रेन में किस तरीके से जो बच्चे फंस गए थे, बच्चियाँ फंस गई थी, उनको निकालने में कहते हैं कि आपने बहुत भूमिका निभाई, एनडीटीवी की पोस्ट भी है, उसमें हम क्या कुछ बताना चाहेंगे? जो वहाँ पे बच्चे फंसे हुए थे, जैसे ही ये काम हुआ, जैसे ही ये वॉर हुआ था, वॉर होने के बाद जैसे जब मेरे को पता चला कि यूक्रेन में वॉर हो रहा है, तो जैसे मैं बॉक्सिंग खेलने के लिए वर्ल्ड में सभी कंट्रीज़ में जाता हूँ, तो यूक्रेन में भी मेरे कॉन्टेक्ट्स अच्छे हैं, जैसे वहाँ के बॉक्सिंग के कोच हैं या बॉक्सिंग के मैनेजर हैं, मैच मेकर हैं, जो भी हैं बॉक्सिंग के लोग, तो मैंने एक ग्रुप बनाया और मैंने सोचा कि क्यों ना अपने लोगों की मदद की जाए। एक ग्रुप पे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, और व्हाट्सएप ग्रुप में फिर मैंने मैसेज डालने शुरू किया, और मैंने एक पोस्ट डाल दी मेरे सोशल मीडिया पर, मेरे ट्विटर हैंडल पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर, कि किसी को भी अगर ज़रूरत हो मेरी बॉक्सिंग फैमिली वहाँ पर मेरे से कोऑर्डिनेट करें, और आप लोगों की 101% जितना मेरे से होगी मैं उतनी हेल्प कितने करूँगा। लोगों की सर मदद की आपने? लगभग मेरे पास 8-9 ग्रुप्स की क्वेरी आई है, किसी में 35 बच्चे भी थे, किसी में 15 भी थे, कोई 4-5 भी थे, और कोई 40+ भी थे, तो उनकी क्वेरी आई थी, और जिन जिन की क्वेरी आई मैंने वो पूरी की। नीरज गोयत किस नाम से फेमस है? नीरज का अगर फेसबुक पे या गूगल पे कहीं भी नीरज गोयत डालें तो एक बॉक्सिंग का लिखा जाता है, और भी कई शख्सियतों के साथ काम किया है, क्या कुछ बताएंगे? क्योंकि मेरे पास सवाल कम है, पूछना बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन सवाल नहीं निकल रहा, क्या पूछूँ आखिर आपसे? भाई देखो, शुरुआत तो सारी कुछ बॉक्सिंग से ही हुई थी, और बॉक्सिंग के बाद फिर बाकी चीज़ें, जैसे अपना मूवीज़ में काम किया। अच्छा, एक मूवी अभी फरहान अख्तर के साथ आई थी, तूफान आई थी, उससे पहले अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट की थी वो मूवी, मुक्काबाज वो की थी। उसके अलावा कोरियोग्राफी का काम करता हूँ, और अभी एक सबसे बड़ी अपने भारत की दोबारा बाहुबली के बाद जो बड़े बजट की मूवी आ रही है, RRR, RRR में रामचरण का बॉक्सिंग का कुछ काम है, तो उसको कोरियोग्राफी का
काम करवाया है, मेरे कोचिज ने उसको ट्रेनिंग करवाई है, मतलब जो मेरी कंपनी है वीएन प्रमोशंस के नाम से, आप लोग देख भी सकते हैं जैसे कंपनी है, ये भाई का तो लोगो हाँ है। वीएन प्रमोशंस, तो इसके मैं कोचिज वहाँ मूवीज में जो भी किसी को अगर ज़रूरत हो तो उनको कोचिज जाते हैं उनके पास, तो RRR के लिए भी ऐसे मेरे कोचिज गए। अभी एक साउथ की मूवी बन रही है, घनी घनी मूवी आएगी वो, तो घनी में भी अपना कोरियोग्राफी का काम किया अपने बॉक्सर्स ने, बॉक्सर मेरे बॉक्सर भी काफ़ी गए हैं। उससे पहले एक साला खड़ूस मूवी आई थी लड़कियों की, उसमें लड़कियां भेजी थी, तो यही है कि US में नेटफ्लिक्स पे सबसे पहले, इंडिया में जब नेटफ्लिक्स किसी को पता भी नहीं था अच्छा तब जी, मैंने नेटफ्लिक्स पे एक शो किया था अल्टीमेट बीस्ट मास्टर, सिल्वेस्टर स्टैलून का था वो शो, अच्छा, तो उसकी शूटिंग वहीं पे हॉलीवुड में हुई थी, तो हॉलीवुड में तो भी काम किया है, बॉलीवुड में भी काम अरे किया क्या है, साउथ बात के है, टॉलीवुड में भी काम किया है, क्या बात और है। बाकी बॉक्सिंग तो कर ही रहे अच्छा हैं। सर, ये जो आलीशान महल टाइप का बना रहे हैं, ये क्या चीज़ है, ये क्या कॉन्सेप्ट है, मैं तो नहीं हैरान हूँ। एक बार हल्का हल्का सा कैमरा एक बार घुमा के दिखाएंगे ना, तो यहाँ पे समझ आए, एक एक चीज़ जो है ना उसकी एक वैल्यू है। ये कोठी नहीं है, ये आलीशान महल एक क्या कह सकते हैं, फार्म हाउस टाइप का बना दिया। हर चीज़ इज्जत से लगाई जा रही है, अभी भी काम चल रहा है इसमें। हाँ काम चल रहा है और लगभग ये 20-25 दिन में रेडी हो जाएगा, और अच्छा महल मूल कुछ नहीं है भाई, छोटा सा घर है, और ये घर 11 दोस्तों के लिए बनाया है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, जी, तो आउट ऑफ इंडिया भी बहुत सारे दोस्त हैं, बॉक्सिंग की फैमिली भी हैं, फॉरनर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, और बॉलीवुड और ये हॉलीवुड वगैरह में काम करने के बाद फॉरनर्स भी बहुत आते हैं मेरे पास, सो वो सब लोग मेरे से को मतलब फ़ोन करते हैं भाई तेरे पास इंडिया आएंगे, तेरे पास इंडिया आएंगे, तो मैंने एक इंडिया कैसा था पहले, हम लोग अच्छा कैसे थे, हम पहले अच्छा ऐसे घर होते थे, तो इसीलिए उन लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये बनाया है। जी, तो ये कब तक तैयार हो जाएगा, क्योंकि हम अपने दर्शकों को जब बिल्कुल तैयार हो जाएगा उसके बाद फिर से एक लुक दिखाएंगे, क्योंकि अभी तक शायद यमुनानगर के लोगों को नहीं पता मेरे जो भाई के बारे में, कुछ लोगों को नहीं पता, शायद मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि मुझे इस भाई ने बताया, ये भाई खड़ा है यहाँ पर, किसने मुझे स्पेशली बताया और कॉल किया और मुझे यहाँ पर बुलाया, तो मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि भाई के साथ मैं मैं गांव इंटरव्यू में कर रहा पैदा हूँ। शायद हुआ था आने वाले वहीं पे, टाइम में भाई यमुनानगर में ही बड़े बड़ा बड़े हुआ, चैनल्स में आ ना ही चुके हैं, मेरे घर लेकिन में एच ऐसे आर कोई सेवेंटी वन स्पोर्ट्स में न्यूज था, का सब पहली खेती बार बाड़ी वाले थे, एक्सक्लूसिव है, और बॉक्सिंग आप में लोगों तो को भी इसलिए शायद मैं यकीन मारने नहीं होगा, पीटने के लिए उसके चला बाद गया सारा था, दूसरे फोन पे उसके गूगल बाद सर्च उसमें मार इंटरेस्ट लो, बन गया मेरा, नीरज फिजिकल गोयल फिट करके दिख रहे हैं और सारी सबको सूरत घुसंड पता मार चल जाएगी। सकते हैं एक सर दूसरे वो को, क्या कुछ तो कहना वो चाहेंगे एक अपने बॉक्सिंग है, यमुनानगर के बॉक्सिंग लिए, में कैसे कुछ लग भी हो रहा सकता है, है? ये धरती यमुनानगर के लिए तो क्या कहूँ मैं, यहाँ पे मैं वैसे बहुत कम रहता हूँ, जितने ठीक भी है, तो इंडिया में बॉक्सर्स बॉक्सिंग हैं, की जो वजह भी से कॉम्बैट कभी किसी स्पोर्ट्स देश में, हैं, कभी जैसे किसी रेसलिंग्स हैं, देश में अभी सब कल मुझे पुअर बॉम्बे फैमिली से जाना होते है, हैं, सब गांव अभी से थोड़ी होते देर हैं, पहले सब कोलारा है, किसी जिन्हें वक्त पास मुझे कल पैसा होता है बॉम्बे वो जाना है क्रिकेट में जाते हैं, नेक्स्ट किसी टेनिस में मूवी जाते के हैं, तो लिए, जो हमारी तो बॉक्सिंग यही है है, उनको बहुत ज़्यादातर तो स्ट्रगल मैं करना पड़ता ट्रैवल है में ही रहता डाइट हूँ, कहाँ से अपने लें, कोठी के ट्रैवल बारे में कहाँ अपने से फार्म करें। हाउस को थोड़ा वैसे सा अब अफोर्ड एक्सप्लोर करने के करो, लिए मुझे मेरा भी दिखाएंगे एक सर टाइम क्या था क्या जब चीज़ मैंने भी आपको ये सब कुछ एक्सप्लोर कर मेहनत रहे हैं यहाँ की पर, है, एक्सप्लोर लेकिन भाई अब जब से मैं एक तरह प्रोफेशनल से बॉक्सिंग में बैठक आया है, हूँ, अच्छा मतलब नाम हो जैसे गया, जो अच्छा अपने पैसा हो गया, फॉरनर्स जो मैं आएंगे चर उनको मतलब जो बताने के बॉक्सिंग लिए मैंने आए हैं सही ये शुरू की थी बैठक वो में, 2 साल के अंदर ही मैंने तो बैठक में ये 2008 जैसे के अंदर ये जो देख होल टाइप 2007 का का यहाँ पे नेशनल चैंपियन अभी था उसको 7-8 हराया, आदमी फिर मैं आए यूथ एक होल कॉमनवेल्थ साथ गेम्स रह खेला सकें, जी। ये अपना ये बाहर बैठने के लिए ये जगह है, बाहर बैठने के लिए, और इस जगह में जैसे रात को कोई आया हुआ है यहाँ पे, फ़ौरन से कोई आया हुआ है और उसको बाहर आके बाहर की हवा लेने का मजा लेना है, बाहर की हवा देखनी है, तो उसके लिए ये जगह बनाई है, तो बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल, आप देख सकते हो सारा बाहर का पूरा दिखेगा। कश्मीर का व्यू आएगा, और ये हाँ पहले पहले हुआ करता था ये हाँ पूरा। मैंने जैसे आपको बताया कि मतलब जो मेरे फ़ौरन के लोग आए, जैसे कि उनमें से वन ऑफ द वो लोग भी आएंगे यहाँ पे जिन्होंने यूक्रेन में मेरी हेल्प किया, स्टूडेंट्स की हेल्प की, वो जी लोग भी जी आएंगे, तो उनको मुझे अपना इंडिया दिखाना है ये सब चीज़ें। जी आगे चलते ओके हैं, हाँ जी, तो और ये इन एक कमरों हॉल में क्या है, है? ये एक हॉल है, इसमें भी मैं जैसे 6-7 लोग एक साथ आए और उन सबको एक साथ ही सोना है, तो यहाँ पे 2 बेड लगेंगे और बाकी काउच वगैरह रहेगा, जी और यहाँ पे भाई ये अपना एक एरिया ये हो गया, इस एरिया में ऑफिस भी रहेगा और ऑफिस रहेगा और बेसिकली बैठने बैठने उठने का रहेगा, जी और आप तो देख सकते हैं दर्शकों, ये पूरा का पूरा जो इन्होंने सिस्टम है एंटीक, दरवाजे देखिए, खासकर दरवाजे जो है स्पेशली, ये दरवाजे कहाँ से बनवाए हैं सर आपने? ये दरवाजे भी यहीं पे इंडिया में सब मिस्त्रियों ने, क्योंकि पहले भी ये लोग काम करते थे तो इंडिया वालों ने बनाए हैं, तो ये फिर एक ये आप जगह है, एक ये स्पेस है बैठने के लिए, और ये जैसे देसी स्टाइल में हुक्का गुड़गुड़ाते हैं खुले में बैठ के। हाँ, तो यहाँ पे मतलब ये वो जगह आप कह सकते हो कि ये बैठने के लिए वो जगह है, ताकि यहाँ से हुक्का पी रहे हैं और सामने का अपना पूरा, पूरा का व्यू, हाँ पूरा वो पूरा सामने व्यू बैलगाड़ी दिखे। देख सकता हूँ सर, रात हो गई अभी, पूरा व्यू हाँ नहीं है, पर लेकिन वो बैलगाड़ी स्पेशल आपने कहीं से हाँ बनवा वो हुआ? बैलगाड़ी है स्पेशल, यहाँ पे सब कुछ अलग अलग चीज़ मिलेंगी, वो छान दोबारा रेडी होगी, तो ये अच्छा यहाँ पे बाहर ऊपर आके बैठने की जगह है। चलिए सर, अब दोस्तों नीचे चलते हैं, और नीचे का भी आपको थोड़ा सा, ये फार्म हाउस जो आलीशान महल बन रहा ये है। एक रूम है, ये भी एक रूम है, हाँ जी हाँ जी, तो ये एक स्पेशल बेडरूम बेड है। भी कुछ अंग्रेजों के जमाने के उस टाइप का हाँ जो, ये वही है, ऐसा ही बेड है, और यहाँ पे उधर सोने की फिर पूरी
पूरा का पूरा अलमारी हो चाहे वॉशरूम हो, वो भाई ने पूरी शिद्दत से जो है वो बनाने का प्रयास किया। लेकिन दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि जब ये पूरा महल बनकर तैयार हो जाएगा, फार्म हाउस तैयार हो जाएगा, फिर हम नीरज गोयल भाई से जरूर एक बार इंटरव्यू आप करेंगे। ऊपर भी जाने का रास्ता बनाया हुआ है ये ऊपर जाने का रास्ता है, जी और ऊपर जाके किसी को बैठना है रात के टाइम पे, ये ऊपर भी एक रूम है इसमें। चलिए सर नीचे चलते हैं, हम नीचे का ग्राउंड फ्लोर हम आप दोस्तों हम आपको दिखाते हैं। और कुछ लगना है जैसे, हाँ जैसे ये बेल है ये बड़ी है, यहाँ पे छोटी बेल लगनी है पे तो हाँ ये हाँ हाँ ये बहुत बढ़िया, हाँ मतलब अभी 20 दिन में और रेडी हो जाएगा आपको, 20 दिन भूल मत जाना सर हमें बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा आलीशान हम आपको घर दिखा रहे हैं नीरज गोयत। किसी भी चैनल ने आज तक नीरज गोयत भाई के घर का जो है ये इनके फार्म हाउस का दरवाजे देख लीजिए आप, कितने जबरदस्त दरवाजे बनाए गए। ये दरवाजा है भाई, बहुत बहुत भारी दरवाजा है ये, तो मैं इसको बंद करके अंदर का ये नीचे का जो अपना क्या बात है। हाँ तो यहाँ पे ये एक रूम रहेगा, यहाँ पे सोफा रहेगा जैसे एक मीटिंग हॉल की तरह, जिसको भी आना है बैठना है। और ये सामने इसमें यहाँ पे एक ग्लास लगेंगे, यहाँ पे ग्लास के ऊपर बैठने का रहेगा, सामने किसी को टीवी रहेगा इंजॉय करने के लिए। तो ये पूरा मेरा जो है ये बैठने का एरिया है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये नीचे बेडरूम रहेगा साथ में, ये भी ये एक बेडरूम है, एक बेडरूम है और ये एक बेडरूम है। चलिए अभी तो पूरा तैयार नहीं है, हाँ तो ये देख सकते हैं तैयार अटैच बाथरूम है साथ साथ पूरा आलीशान। सबसे अच्छी चीज़ मुझे इनके यहाँ के स्विच लगे सर, ये स्विच कहाँ से इंपोर्ट किए? ये स्विच मेरे को नहीं पता भाई कहाँ से है, कहाँ से नहीं आए, अच्छा लेकिन हाँ ठेकेदार को ठेका दिया हुआ है। हाँ तो वही लेके आए हैं, ये अपनी किचन होगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो हाँ सर बाहर आपने बॉक्सिंग का कुछ रखा हुआ है इक्विपमेंट? वो बॉक्सिंग का सामान लगाया है, जैसे जो भी मैंने आपको जैसे पहले बताया, जी तो जैसे फ़ौरन से जो भी लोग आएंगे वो मेरे बॉक्सिंग के लोग होंगे या मूवीज़ वाले होंगे, वो भी बॉक्सिंग से रिलेटेड होंगे। तो जी जो भी यहाँ पे आए रुके, रात में खाएं पिएं और सुबह वहाँ पे ट्रेनिंग करें, उनको बॉक्सिंग की पूरी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो अभी चलिए थोड़ा सा कुछ और सामान भी आना बाकी है। जी सर देख सकते हैं ये हम बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर पूरा जो सामने आप देख सकते हैं कि बॉक्सिंग के जो जिसमें हम किक मारते हैं वो चीज़ सारा पूरा यहाँ पर बनाया जा रहा है। अभी कंस्ट्रक्शन है और यहाँ पर दोस्तों के लिए बैठने के लिए देसी, ये आप देख सकते हैं देसी स्टाइल में जो है यहाँ पे घर जो है वो बनाया गया है। देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्त जो हैं सभी बैठे हुए हैं और ये आप देख सकते हैं कि पुराना मिट्टी के जिस तरीके से घर हुआ करते थे उस टाइप से पूरा। और रात का वक्त है हमें, क्योंकि कल भाई ने निकल जाना था और यहाँ से मुंबई के लिए, तो रात को ही हम पहुंचे थे और उनसे बात करने के अंत में हम एक बार मैसेज रू लेंगे। सर अंत में हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई? अंत में तो मतलब मैं सेहत ही लेके आता हूँ, जिसके घर पे भी जाता हूँ सेहत लेके जाता हूँ, और कहीं पे से आता हूँ तो सेहत लेके आता हूँ। तो सबसे ये कहना चाहूँगा नशे से दूर रहो भाई, और फिटनेस को जितना ज़्यादा कर सकते हो फिटनेस के लिए उतना ज़्यादा काम करो, क्योंकि अंत में लास्ट तक ये अपना शरीर ही है जो साथ लेके जाएगा, उसके बाद तो नहीं चार आदमी लेके जाएंगे। तो सेहत सबसे इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ सुप्रसिद्ध बॉक्सिंग चैंपियन नीरज गोयत। आप भी यूट्यूब पे फेसबुक पे इनको देखा होगा, लेकिन आज हमने आपको ग्राउंड में पहुंच के उनके घर से उनके फार्म हाउस से जो है आपको तस्वीरें दिखाई। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यमुनानगर ज़िले से इस वक्त की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। और कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू? जब ये पूरा आलीशान महल बनकर तैयार हो जाएगा और दोबारा नीरज भाई जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो हम आपको फिर से उनसे रूबरू कराएंगे। अभी के लिए मैं इजाज़त लूँगा HR71 के लिए, कैमरा पर्सन पूर्वी के साथ सरनजीत सिंह।